मोदी सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को जबरन रिटायर करने के पक्ष में है। इसी तर्ज पर यूपी में भी प्रशासन ने नाकारा अफसरों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी में नाकारा पुलिसकर्मियों को जबरन रिटायर कर दिया गया है। ताजा मामला गाजीपुर का है, जहां 4 पुलिसकर्मियों को सेवानिवृत्त कर दिया गया। आपको बता दें कि इन पुलिसकर्मियों की लगातार लापरवाही मिलने के बाद से कार्रवाई की गई। रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी नागरिक पुलिस मुनेश कुमार, आरक्षी नागरिक पुलिस राम नारायण प्रसाद, आरक्षी नागरिक पुलिस राधे रमन कौल और आरक्षी नागरिक पुलिस सतीश चंद तिवारी को सेवानिवृत्त कर दिया गया है। एक शासनादेश है जिसके अंतर्गत 50 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने वाले जो पुलिसकर्मी हैं, अगर वो अयोग्य हैं, राष्ट्रीय सेवा में उचित योगदान नहीं दे पा रहे हैं, तो एक कमेटी द्वारा, एक स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा ये निर्धारण किया जाता है जिन्हें जो नियोक्ता अधिकारी होते हैं वो सेवा से बाहर कर सकते हैं। इस कार्रवाई में पूर्ण जो शासनादेश है उसके नियमों का पालन करते हुए 4 लोगों को चिन्हित किया गया है जनपद स्तर पर, जिन्हें कंपल्सरी रिटायरमेंट मेरे द्वारा 2 दिन पूर्व दे दिया गया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के जबरन रिटायरमेंट की पहल के बाद कई राज्यों ने भी इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। इसमें उत्तर प्रदेश के अलावा कई और राज्य भी शामिल हैं। इन राज्यों में अधिकारियों की लिस्ट मांगी गई है ताकि लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।